हेलो फ्रेंड्स, लेखा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी टीडीएस कटौती की, जो अभी हाल ही में जीएसटी एक्ट का एक सेक्शन 51 का के अंतर्गत सभी डीडीओस, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस, सरकारी डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और जितने भी डीडीओस जो हैं उनको जो अपने सप्लायर्स है जिनका भी पेमेंट 2.5 लाख से ईयरली 2.5 लाख से अधिक का होता है, उसके लिए जो उनके पेमेंट में से जो 2% की कटौती करनी है, 1% सीजीएसटी के रूप में और 1% एसजीएसटी के रूप में, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है उसमें तो फ्रेंड्स यहाँ हम दो देखेंगे कि दो तरह के मेथड अपन को अवेलेबल कराए हैं गवर्नमेंट ने, जिसके थ्रू अपन इस तरह की कटौती अपने सप्लायर के बिल में से कर सकते हैं। पहला मेथड ये है जिसमें बता रखा है कि किस तरह से अगर ऐसे सप्लायर जिनके केवल महीने के एक दो बिल्स ही होते हैं जिसमें इस तरह की कटौती की जानी है, तो वो एक चालान जनरेट करके अपने सप्लायर के बिल में से 2% की कटौती कर सकते हैं। और एक सेकंड मेथड है जिनके बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरह के पेमेंट होते हैं, बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं, तो वो एक बंचिंग ऑफ टीडीएस डिडक्शन कर सकते हैं और उसको वापस जमा चालान के थ्रू सीपीआईएन के थ्रू जनरली जमा करा सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जिस भी पीरियोडिक मेथड में पीरियोडिक बेसिस पे अगर वो जमा कराना चाहें तो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम पूरे वीडियो में फोकस करेंगे फर्स्ट मेथड पे, जिसमें अपन इंडिविजुअल चालान जनरेट करेंगे प्रत्येक बिल के ऊपर और फिर उसको पे मैनेजर के अंदर किस तरह से कटौती की जानी है 2% की, उसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको सबसे पहले लॉगिन करना होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो पोर्टल है, जहाँ अपन जो भी डीडीओ है उसका यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और जो भी कैप्चा इसमें शोन हो रहा है स्क्रीन के अंदर वो कैप्चा डालेंगे और फिर अपन को इसमें लॉगिन करना है चालान जनरेट करने के लिए। अब यहाँ आपको ये विंडो दिखेगी, इसमें डैशबोर्ड ऑन रहेगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको तीन मेथड दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको क्रिएट चालान मेथड के अंदर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे अपन क्रिएट चालान ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने खुलेगी। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। मेरे सप्लायर का एक बिल है 43,072 अमाउंट का, तो इसमें सीजीएसटी की वैल्यू हो जाएगी 431 और इसी तरह से एसजीएसटी जो स्टेट लेवल का जीएसटी होगा उसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1% की रेट से 431 रुपए। यहाँ आपको टोटल अमाउंट शोन हो जाएगा। फिर अब फ्रेंड्स अपन को पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, तो जो भी जैसे ट्रेजरी से जितने भी बिल पास होते हैं वो एनईएफटी और आरटीजीएस मोड से पास होते हैं, तो यहाँ मेरा पेमेंट मोड एनईएफटी और आरटीजीएस रहेगा। उसके बाद में अपन को रेमिटिंग बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं आरबीआई जो भी आपका रेमिटिंग बैंक हो या जो भी एजेंसी बैंक हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर्ड को सेलेक्ट किया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर्ड को सेलेक्ट करूंगी यहाँ जनरेट वाला ऑप्शन, जनरेट चालान वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और उस पर क्लिक करके अपन चालान जनरेट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आपका बहुत इजी मेथड से चालान जनरेट हो चुका है। ये चालान आपको जैसे ही आप ट्रेजरी बिल भेजते हैं उसके साथ आपको ये चालान की कॉपी लगानी है, तो उसका प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा। पहले इसको डाउनलोड करिए और फिर इसका प्रिंट लेके आप अपने बिल के साथ इसकी कॉपी, इस चालान की कॉपी अटैच करना जरूरी है। यहाँ आपके जीएसटी से रिलेटेड सीपीआईएन नंबर, चालान जनरेट डेट, चालान की एक्सपायरी डेट बहुत क्रूशियल है। फ्रेंड्स, यहाँ जो भी चालान की एक्सपायरी डेट है उसके पहले आपको बिल क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब इसका जो भी टैक्स आपने डिडक्ट किया है वो जमा हो जाना चाहिए बैंक के थ्रू रिलेटेड हेड में। फ्रेंड्स, जो भी आपका चालान डाउनलोड होगा वो इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा। इसमें सबसे ऊपर सीपीआईएन नंबर शोन है, इसका अपन यूज पे मैनेजर में जब टीडीएस की कटौती करेंगे वहां यूज होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अपन को पे मैनेजर में लॉगिन करना है और बिल एलोकेशन ऑप्शन के अंदर बिल नंबर एलोकेट करना है। थर्ड पार्टी का बिल है, थर्ड पार्टी सेलेक्ट कर देंगे, रिलेवेंट हेड सेलेक्ट करेंगे या रिलेवेंट हेड डालेंगे, बिल नंबर इंसर्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और बिल नेम सेलेक्ट करेंगे और इसको सबमिट कराएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बिल प्रोसेस ऑप्शन के अंदर एफईसी बिल्स और एफईसी प्रोसेस के अंदर जाएंगे, बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे, रिमबर्स टाइप, नॉन रिमबर्स, रिमबर्स जो भी है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पार्टी नेम सेलेक्ट करना है अपन को और जो भी आपने पार्टी सेलेक्ट की है उसको ऐड करना है। उसके बाद में ये इनवॉइस डिटेल्स मांग रहा है, इसके अंदर इनवॉइस डिटेल्स डालेंगे, इनवॉइस नंबर, जो भी पार्टी ने जिस डेट का इनवॉइस डाला है उसका नंबर और डेट। और जो भी अमाउंट है कंप्लीट अमाउंट इसमें डालना है, जो भी आपका बिल का अमाउंट है 10,825 का।
और जो भी रीजन है वो आपको इसमें फिट करना है। और इस बिल को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ दो तरह के डिडक्शन दिखाएगा, एड डिडक्शन और एड जीएसटी टीडीएस डिडक्शन। एड डिडक्शन के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इनकम टैक्स की वैल्यू जो भी आपको डिडक्ट करनी है, जिस रेट से आप डिडक्ट करते हो रूटीन में, वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है और इसको सबमिट करना है। जीएसटी टीडीएस डिडक्शन की कटौती करना है, या आपको सीपीआईएन नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सीपीआईएन नंबर पूछेगा, जो भी फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया था चालान जनरेट होने के बाद में, उसकी सीपीआईएन की वैल्यू आपको डालनी है। और सैंक्शन अमाउंट डालना है, जितना भी आपका सप्लायर का बिल है कंप्लीट अमाउंट जितना आप सैंक्शन कर रहे हो आपको सैंक्शन अमाउंट फील्ड के अंदर डालना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जीएसटी आई एन वैल्यू डायरेक्ट जैसे ही आपने सीपीआईएन नंबर एंटर किया है, इसकी जीएसटी आई एन नंबर ऑटोमेटिक और जो भी अमाउंट आपका कटौती का अमाउंट था वो आपका ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा, वो आपको फीड नहीं करना है और फिर इसको सबमिट कराना है। ये आपका देखो दोनों कटौती यहाँ शोवन हो रही है, जीएसटी कटौती की कटौती भी शोवन हो रही है और इनकम टैक्स की कटौती भी यहाँ दिख रही है आपको। इसके बाद में आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, बिल को डीडीओ फॉरवर्ड और ट्रेजरी फॉरवर्ड करके रिपोर्ट जनरेट करके बिल के साथ चालान की कॉपी लगा के ट्रेजरी को भेज देना है।